निगरानी विभाग की टीम ने स्थानीय क्षेत्रीय अभियंता संगठन कार्य प्रमंडल औरंगाबाद के सहायक अभियंता सीताराम साहनी को अपने ही कर्मी से 40,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। सहायक अभियंता द्वारा अपने ही कार्यालय के कर्मी विनय कुमार की उपस्थिति पंजी देने के नाम पर 50,000 रुपए की घूस की मांग की थी, जिसकी शिकायत वादी विनय कुमार ग्राम महुआरी अंकोड़ी गोला रोहतास ने निगरानी विभाग में की थी, जिसके आधार पर निगरानी टीम ने सहायक अभियंता सीताराम साहनी को अपने ही कर्मी से 40,000 रुपए घूस लेते हुए अपने घर क्लब रोड से रंगे हाथ पकड़ लिया। निगरानी विभाग के पुलिस उपधीक्षक अरुण पासवान ने बातचीत के दौरान बताया कि विनय कुमार का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के बाद वापस जब ड्यूटी ज्वाइन करने पहुंचे तो उन्हें उपस्थित पंजी के नाम पर सहायक अभियंता सीताराम साहनी द्वारा रुपए की मांग की गई और विनय कुमार ने निगरानी विभाग को सहायक अभियंता सीताराम साहनी द्वारा घूस मांगने की सूचना दी, जिस पर कार्यवाही की गई और सहायक अभियंता सीताराम साहनी अपने ही कर्मी से 40,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। यहीं पहले थे पदस्थापित कनीय अभियंता विनय कुमार, जिनका यहाँ से ट्रांसफर हो गया बक्सर, उनसे ये 40,000 रुपया 50,000 रुपये डिमांड किया था, 40,000 में फाइनल हुआ। उनका काम सिर्फ था कि जो एक्सीडेंट कर गए थे कार्यालय से जाने के क्रम में, 3-8 को ही कार्यालय से लौट रहे थे, उस दिन एक्सीडेंट कर गए थे और ये डॉक्टर के इलाज में चले गए थे काफ़ी दिन तक। उसके बाद ये आके योगदान किए अपना, उसी में एब्सेंटी भेजने के लिए, क्योंकि ये आवेदन दिए थे कार्यपालक अभियंता को, तो भेज दिया कि जेई से एब्सेंटी आएगा तो जूनियर असिस्टेंट इंजीनियर से तब आपका वेतन दे देंगे, उसी के एवज में कि एब्सेंटी भेज देंगे। और LPC चूँकि इनका बदली हो गया था, LPC इशू करने के लिए इनसे रुपये की डिमांड कर रहा था, ये रुपया देना नहीं चाहते थे। ये 16-8 को निगरानी में शिकायत किया, सत्यापन कराया गया, मामला सही पाया गया। आज अपने आवास में जो है क्लब रोड में सतेंद्र सिंह के मकान में रहते थे, वहीं भी आज रिश्वत लिए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। अपने ही कर्मचारी से रिश्वत ले रहे थे? जी, अपने ही कर्मचारी। कितना सर? 40,000 रुपये।